بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إلا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن قلت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دے لائق ریاضت دے لائق وحدت دے لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو آدی ساتھیو بزرگ اور دوستو اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کھلو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور متحر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا اللہ پاک لو دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اسی انشاءاللہ العزیز سورہ یوسف دی تفسیر دا آغاز کر رہے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بہترین سورت نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مکی زندگی دے اندر نازل فرمایا ہے 12 رکوعات دے اُتے مشتمل اے سورت ہے 111 آیات نے اور تقریباً 1600 ادے حروف نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ویسے تو اپنی پوری دی پوری مقدس کتاب جڑی ہے ان لوگوں واسطے ہدایت اور رہنمائی بنائے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دے دو دور نے ایک مکی زندگی ایک مدنی زندگی مکی زندگی دے اندر عقائد و نظریات دے اصلاح واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے زیادہ تر قرآن دا نزول فرمایا
और मदनी जिंदगी दे अंदर हालात जिंदगी नू दुरुस्त करने वास्ते, अपने मामलात नू बेहतर करने वास्ते अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अहकामात दा नुज़ूल फरमाए। खवातीन अगे गुजारिश है, इन्हां बच्चियां नू कंट्रोल करो, नहीं तो घरां नू भजा दे। जुमा इबादत है, इबादत दे अंदर ऐसा खलल मुनासिब नहीं, इन्हों का तो गलती चलो है ही, इन्हों के नाल दूसरे लोगों का जिन्हों का जुमा खराब हो रहा है उन्हों का गुनाह भी इन्हों के सिर पर पेगा। बच्चे मासूम ने, लेकिन इन्हों की वजह तो दीगर लोग जड़े ने उन्हों का गुनाह वो नहीं लेना चाहिए। बच्चा नेकी करे तो वालदैन अजर मिलता है, नेकी ही करनी करानी चाहिए है। मस्जिद के अदब आदाब का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इस सूरत के नुजूल तो पहले अपनी तौहीद के मसले नू बयान फरमाया। नबी अलैहि सलातो सलाम की नबूवत और रसालत के मसाइल नू बयान फरमाया, कियामत और हशर दिया बातां कीतियां, जिंदगी और मसले दे जिंदगी और मौत के मसायल नू बयान फरमाया। आमिना दे लाल अली सलातो सलाम की शान की है, मुकाम की है, खत्मे नबूवत का वकार की है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इन्हां चीज़ां नू बयान फरमाया। तो नबी अलैहि सलातो सलाम दे सहाबा एक दिन पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे कोल बह गए। जिस तरह तुसी वेखिया साडा माहौल हुंदा है कि किसी बड़े नामवर शख्स के कोल बंदा बैठा होए ना, तो मुहब्बत ते प्यार दे नाल सवाल करदा कि कोई जिंदगी का वाकई सुना दे, कोई तुहानू को ऐसी बात जड़ी बड़ी दिलचस्प लगती होए वो सुना दे। आमिना दे लाल अली सलातो सलाम दे सहाबा ना मसाइल सुनते रहे, समझते रहे, लेकिन वो दौर भी ऐसा दौर सी जिदे अंदर लोग अपनिया मजलसा कायम करिया करते सन, और उन मजालस के अंदर मुख्तलिफ चीज़ा जड़िया ने वो जेरे बहस आंदियां सन। नबी अलैहि सलातो सलाम दे सहाबा पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दे कोल आकर करदे ने, सोने साडा भी जी करदा लो कसस्ता आलई ना, कोई किस्सा कोई वाकया तुसी सानू सुनाओ जड़ा बड़ा दिलचस्प होवे, और उस वाके नू सुनन तो बाद सानू कोई फायदा हासिल होवे। वैसे आम मजलसा जड़िया ने उन्हां मजलसा दी अंदर ते फजूल गपशप फजूल बातां जड़िया ने उहदे नाल नुकसान हुंदा है, चुगलियां भी हुंदियां, गीबतां भी हुंदियां, झूठियां कहानियां भी। पहले पहले बुजुर्गां दे कोल बच्चियां ने बहना झूठियां सचियां कहानियां उन्होंने ए बात बना के सुना दीती। आमिना दे लाल अली सलातो सलाम दे सहाबा आए ने, सोनिया कोई किस्सा कोई वाकया कोई बात ऐसी बयान कीती जाए जड़ी सच्ची भी होवे ते दिलचस्प भी होवे ते असी उहदे नाल मुहब्बत करिए, सुनन सुनाण दे वास्ते एक दूजे दे अंदर असी उस बात का जिक्र कर सकीए। हाफिज अमादुद्दीन इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर दे अंदर लिखे है कि आमिना दे लाल अली सलाम दे सहाबा ने ए अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम दे कोलो दरखास्त कीती, फनाजालत नहनो नकुसो अलैका हसन अल कसस। पहली नजूल इस दिन वजह बयान कीती गई है कि अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम दे सहाबा ने तकाजा कीता, और दूसरा मुफस्सरीन ने लिखी है के मदीने दे अंदर यहूदी आबाद ने ते मक्के दे जड़े कुरैशी ने ना इन्हां दा इन्हां नाल ताल्लुक है, कारोबारी मामलात ने, आउन जान भी है, रिश्तेदारियां भी ने, ते जड़े मदीने दे यहूदी ने उन्हां ने मक्के दे कुरैशियां नूं आखिया जे तुसी आमिना दे लाल अली सलाम दी नबूवत दे मयार नूं चेक करना चाहते हो फिर उन्हां दे कोलो ना ए सवाल करो हजरत याकूब अली सलाम उन्हां दी औलाद दा की मामला है, ते हजरत यूसुफ अली सलाम दी अजमत ते शान वकार की है। हजरत दूसरा सवाल ए भी मुफस्सरीन ने लिखी है कि मक्के दे
कुरैशियां दे जरिए यहूदियां ने यह किया कि हजरत याकूब अली सलाम ते कनान दे अंदर सन औलाद मिस्र दे अंदर चले किस तरह गए ने मिस्र दे अंदर जान दी वजह की बनी है। मुख्तलिफ सवाल आप जेड़े ने या नबी दे सहाबा ने तकादा कीता या यहूदिया दे सवाल आप जेड़े ने आमिना दे लाल अली सलातो सलाम दे कोल कुरैश मक्का दे जरिए पहुंचे ने। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इन्हां दे सवालात नूं सुनिया ते आमिना दे लाल अली सलातो सलाम नूं एक पूरी मुकम्मल सूरत जड़ी अता फरमा दीती है। कुरान ने की ऐलान फरमाया तवज्जो फरमाया जे जदों आमिना दे लाल अली सलाम कोलो सवाल कीता गया तकाजा कीता गया हजरत यकूब अली सलाम उन्हां दी औलाद हजरत यूसुफ अली सलाम दी अजमत ते फजीलत दे मुतल्लक के नाम तो मिस्र दे अंदर जाण दी वजह दा सवाल कीता गया। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने एक साथ दी गल नहीं दसी बल्कि पूरी सूरत नाजिल फरमा दीती है और पूरा जनाब हालात जिंदगी बयान फरमा दिता। ए सूरत के हवाले ना एक दो गल सुन लो ते फिर मैं गल अगे हजरत यूसुफ अली सलाम दी शुरू करना चाहना। जगां दे पीर रब दे हबीब इमाम अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने जदो ये सवाल आए ने ना ते मेरे पाक पैगंबर ले सलाम ने अजे कोई जवाब नहीं ना दिता। कायनात दे लोगो मेरे पैगंबर ले सलातो सलाम दुनिया दे किसे जनाब स्कूल दे अंदर नहीं पढ़े दुनिया दे किसे उस्ताद दे नहीं पढ़ाए हुए दुनिया दी किसे कॉलेज ते यूनिवर्सिटी दे अंदर नहीं गए। आमिना दे लाल अली सलातो सलाम दे कोलो सवाल कीता गया है और एदा जवाब जेड़ा किसे उस्ताद को थोड़ी पुछनावे आसमान वाले रब ने एदा जवाब देना है। मेरे पाक पैगंबर ले सलाम दे मुतल्लक मक्के वाले भी जानते सन अल्लाह दे पैगंबर ने किसे उस्ताद दे कोलो तालीम हासिल नहीं की थी और इस बात दियां गवाहियां अल्लाह दे कुरान ने भी दितियां ने। फरमाया अल्लज़ीना यत्तबिउनर रसूल नबियल उम्मी अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौरात वल इंजील यामरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَزَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ। अल्लाह जुलजलाल वल इकराम ने जिक्र फरमाया न फरमाया कायनात दे लोगो मेरे उस पैगंबर दी इत्तबा फरमा बरदारी ताबेदारी करनी जे जेड़ा मेरा पैगंबर उम्मी है की माना वे किसे उस्ताद दे कोलो नहीं पढ़े किसे उस्ताद दे कोलो तलीम हासिल नहीं कीती किसे जनाब दुनिया दे उस्ताद दी शगिरदी नहीं कीती। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना अल्लाह जुलजलाल वल इकराम ने पाक पैगंबर ले सलाम नु दुनिया दे अंदर किसे दा शगिर्द नहीं बनाया दुनिया के अंदर किसी भी अजनाब शगिर्दी के अंदर नहीं बिठाया। अल्लाह पाक ने आसमान तो अपनी तरफों वही का नजूल फरमाया न ते सोनिया गल सुनना जरा ध्यान दे नाल ए बातां जेड़ियां ने सिर्फ मक्के दे लोग ही नहीं जानते बल्कि तौरात ते इंजील के अंदर भी इस बात का जिक्र मौजूद है ना कि आमिना दे लाल अली सलाम जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर बन के आने वाले ने वो किसी के कोलो दुनिया के अंदर पढ़े हुए नहीं हो गए दुनिया की तलीम आ किसे कोलो ना हासिल नहीं कीती होएगी ते सोनिया आमिना दे लाल अली सलाम दे मुतल्लक ओ जानदे सन इस वास्ते उन्होंने सवाल किया न। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कुरान नाज़िल किया फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اللہ سلجلال والی کرام نے اعلان فرما دیتا فرمایا سونے اگر تواڈے کول تقاضا کیتا گیا ہے اس معاملے دے اندر پریشان ہوندیاں لوڑاں کوئی نہیں اے قرآن آ گیا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ تواڈے سوالاں دا جواب اے دے اندر آ گیا ہے فرمایا جنہاں نے قصہ سننا ہے جنہاں نے واقعہ سن لے او وی سن لے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ جیڑے دنیا دے کسے کہانیاں سن دے نے آ جھوٹیاں باتاں سن دے نے انہاں دے اندر لذت حاصل کر دے نے میں انہاں واسطے خوشخبری سنا رہا میں بالکل سچا تے بہترین اچھا واقعہ تواڈے سامنے بیان کرنا وا پیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن نازل فرمایا سنیو اے سورت جڑی ہے اس واقعے نو سننا بھی اجر و ثواب ہے اینو ترجمے نال پڑھنا بھی اجر و ثواب دنیا دے کسے بادشاہ دا واقعہ پڑھے او دا کوئی تینو اجر و ثواب ملدا نظر نہیں آندا اور کسے فلاسفر دی کہانی پڑھے او دا فلسفہ پڑھن دا تینو کوئی اجر و ثواب ملدا نظر نہیں آندا سونیا کسے سائنسدان دی سائنس دے تجربیاں نو پڑھے او دی اندر تینو جناب لذت شاید مل جائے لیکن اجر و ثواب نہیں ملے گا اے واقعہ ایسا بہترین واقعہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل فرمایا اینو قرآن بنا دیتا فرمایا صرف واقعے دی صورت نہیں صرف قصے دی صورت نہیں بلکہ ایسا اینو قرآن بنا دیتا وے اور اے قرآن ایسا وے جدی اندر شک شبے والی گنجائشی کوئی نہیں لوگاں دیاں کہانیاں تے قصے غلط تے جھوٹے ہو سکدے نے پر ایدی اندر ذرہ برابر بھی شک ہو سکدا ایدی اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہوئے گا سونے ہوئے سچا واقعہ تے ایدہ پڑھنا بھی اجر و ثواب تے ایدہ سننا بھی اجر و ثواب آئی حضرات اگلی دوسری گل کرنا چاہنا وال اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے سورج جڑی ہے ایدے ذریعے بڑے لوگ ایسے نے جنہاں نوں ہدایت نصیب فرمائی مکے دے اندر اور کچھ لوگ نے جڑے قریشی نے لیکن مدینے دے اندر ایسے لوگ نے جنہاں دے کول تورات دا وی ذکر ہے جنہاں دے کول تورات دا علم انجیل دا علم ہے اللہ اللہ سونیو گل سننا تے ہم دے نال اے جاندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق اے جاندے نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دی حالات زندگی اور آؤ گل سنو ذرا تے ہم دے نال سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس نے کی بیان فرمایا کہندے نے آمنہ دلال علیہ السلام تشریف فرمانے تے یہودیاں دا ایک عالم ہے جدا نا ہبر ہے اے آگیا وے اے دے کل تورات انجیل دا علم ہی ہے وے اے جناب تورات نو پڑھن والا جاننے والا آگیا آمنہ دلال علیہ السلام دی خدمت دی اندر اے وے سامنے بہ گیا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تو سلام اے وے کر کے جناب سورہ یوسف دی تلاوت فرمارے نے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس کے اندینے آمنہ دلال علیہ السلام سورہ یوسف نو پڑی جا رہے نے اور سورہ یوسف دی اندر جویں جویں میرے تیرے رب نے حضرت یوسف علیہ السلام دی حالات زندگی نو بیان فرمایا اللہ نے بچپن دی عادتاں وی بیان کیتی اللہ پاک نے جوانی تے لڑکپن دی باتاں وی کیتی میرے رب نے اندے خود دی اندر جان دی باتاں وی کیتی سیدنا حضرت یوسف دا بازار دے اندر وکنا بیان فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام دل زلیخا والا معاملہ بھی کھلے لفظہ دے اندر بیان فرمایا میرے رب نے مصر دیاں کراریاں دی گل بھی بیان کر دیتی ہے
सैयदना हजरत यूसुफ दा जेल दे अंदर जाना भी बयान कीता, फिर ओदे तो बाद बादशाह दे ख्वाब भी बयान कीते, ओए कैदी साथियां दे ख्वाब ते ओदी तबीर दा जिक्र भी फरमाया न। इने करके अल्लाह ने फिर जेलां दे जिक्र करन तो बाद अल्लाह अल्लाह फिर मिस्र दीआं बादशाहियां दा जिक्र कीता। ए हिबर जिहड़ा सुंदा पिया ते सुंदिया सुंदिया बड़ा ताजब कर रहा है, बड़ा हैरान हुंदा पिया, ओ साडे कोल ते आसमानी किताब है, असी ते तौरात दे अंदर ए सारियां गल्लां पढ़ियां ने, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए सारियां सच्चियां गल्लां पे करी जा रहे ने, अजी एदा ईमान कोई नहीं, यकीन कोई नहीं, लेकिन ए जनाब अरबी जानदा वे, अरबी समझदा वे। इन्हे जदों आमिना दलाल अली सलाम दी जबान सूरा यूसुफ दियां तलावतां सुनियां ना, वाकिया समाद कीता ना, ते आमिना दे लाल अली सलाम दे कोलो सवाल करन ते मजबूर हो जांदा, कहन लगा ए ते दसो ना ए वाकिया तुसी कित्थों पढ़े आवे, ए वाकिया तुहानू किन्ने सुनाया वे। इहने समझिया अरबी दे अंदर अपने कोलो जिवे आ कहानियां गुनगुनाई दियां ने, जिवे वाकिया किस्सा गुनगुनाई दावे, इवें करके आमिना दे लाल अली सलाम वी गुनगुनाई जा रहे। लेकिन इस बंदे नू पता नहीं ना आ मेरे सामने ते कुरान मौजूद है, लेकिन आमिना दे लाल अली सलाम दे सामने ऐ कुरान किताबी शक्ल दे अंदर ते मौजूद कोई नहीं, मेरे आका दे सीने दे अंदर कुरान मौजूद है। इनू नहीं समझ के अल्लाह ने वही दे जरिए दसिया वे, ए पैगंबर दी शान दा अजे नू इलम ही कोई नहीं, इनू खबर ही नहीं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने वही दे जरिए आमिना दे लाल दे सीने दे अंदर सूरा यूसुफ नू जमा फरमा दिता है। मेरे आका जुबानी कुरान पे पढ़दे ने, ए कहिंदा कित्थों तुसा ए सिखी है, ए वाकिया कितों सिखिया वे। अल्लाह दे पैगंबर ले सलाम फरमांदे ने मैनू मेरे रब ने सिखाया वे, मैनू मेरे इलाह ने सिखाया वे। कहन लगा वाकई तुसी सचियां गल्लां करदे हो वे, तौरात दे अंदर भी ते वाकिया मौजूद है नाल। ए तू उठिया ते अपने कौम दे लोगां दे अंदर गया, अपने कबीले दे अंदर गया, अपनी बरादरी कोल जाके कहन लगा ओए गल सुन लवो, ओ जिहड़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जिन्ना ने मक्के दे अंदर नबूवत ऐलान किया जे, मैं अज उन्हां कोल हजरत यूसुफ दियां गल्लां सुन के आया, जिवें तौरात दे अंदर मौजूद है एवें ही उह पढ़दे ते बयान करदे ने। मैनूं लगदा वे उन्हां ते वाकई वही आउंदी है। ते जदों इन्नी गल कीती ते साथी जेड़े ने दी कौम दे लो जेड़े ने कहन लगे फिर इत्थे रह के की करना वे, चलिए जरा उन्हां दी खिदमत दे अंदर ते जाके असीं वी तसल्ली कर लैणे आ। आए आमिना दे लाल अली सलाम दे कोल आके कहन लगे सानू वी किस्सा यूसुफ सुनाओ ना, वाकया यूसुफ सुनाओ ना। अज वे भाई इलियास कह रहे सर पिछले तो पिछले जुमे कहिंदे सानू यूसुफ अली सलाम दीआं गल्लां सुना दिओ, अल्लाह दे नबी ने इन्हां दी फरमाइश मैं क्या पूरियां कर दईए। अल्लाह अल्लाह तो जो करे आजे अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलातो सलाम ने सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम दियां गल्लां यानी सूरा यूसुफ दियां तलावतां शुरू कर दित्ती है। आमिना दे लाल अलैहि सलाम पढ़दे जा रहे ने, यहूदी सुनदे जा रहे ने। जदों इन्हां ने हज़रत यूसुफ दियां गल्लां सुनियां, कुरान सुनिया ते कुरान दी आयतां सुनिया, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस बिमा औहैना इलैका आज़ल कुरआन व इन कुंत मिन कबलिये लमिनल गाफिलीन इद काल यूसुफ ले अबीये या अबते इन्नी रईतु अहदाशर कौकबल व शम्स वल कमर रईतुहुम ली साजदीन काल या बुनैया ला तकसुस रुयाका अला من قبل ابراهيم و اسحاق ان ربك عليم حكيم।
अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम दियां गल्लां सुनियां ते सुनन तो बाद आंदे ने अशहदु अल्लाह इलाहा पढ़ लो जिन्ना नौंदा पढ़ लवो तजदीद कर लवो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु आमिना दिलाल अली सलाम दा कलमा पढ़िया ते मुसलमान हो गए। आओ लोगो जरा मैं तुहानू दसना ए चाहना वा अल्लाह सुल जलाल व इकराम ने ए सूरत नू नादल फरमाया आमिना दिलाल ते एदे जरिए अल्लाह ने कई लोगों की जिंदगी नू बदल दिता वे। और हजरत यूसुफ अली सलाम दे अंदर जिक्र है सैयद हजरत यूसुफ अली सलाम दे नाम दी पूरी सूरत नादल फरमाई है। सैयदना यूसुफ अली सलाम दा ए सूरत दे अंदर 26 दफा नाम इस्तेमाल होया है। वैसे पूरे कुरान दे अंदर 26 दफा उन्हां दा नाम आया है। एक सूरा मोमन ते एक सूरा इनाम दे अंदर बाकी 26 दफा इसे सूरा यूसुफ दे अंदर हजरत यूसुफ अली सलाम दा नाम आया है। यूसुफ दा माना की है मजीद अल्लाह अल्लाह हजरत यकूब अली सलाम दे बेटे यकूब हजरत इसहाक अली सलाम दे बेटे और इस आप जनाबे इब्राहिम अली सलाम दे बेटे मां दा नाम रहील बिनते अलबान है। अल्लाह अल्लाह हजरत यूसुफ अली सलाम नु अल्लाह ने सामना अता फरमाया आमिना बिलाल अली सलाम दे कोलो सवाल कीता गया सोनिया मना करा मुन्ना लोगा दे अंदर ज्यादा इज्जत वकार वाला शान वाला कौन बंदा है। आका अली सलातो सलाम ने इत्माई तौर ते गल कीती नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने आ जेड़ा बंदा अल्लाह दे कोलो ज्यादा डर वाला अतकाहुम लिल्लाह जेड़ा अल्लाह दे कोलो ज्यादा डरे ते सवाल करन वाले कहंदे ने सोनिया लईसा और नहीं नहीं साडा ए सवाल नहीं अल्लाह दे पैगंबर साडा मतलब ए वे केड़ी शख्सियत है जेड़ी बड़ी इज्जत वाली होई है जिन्नू बड़ी जनाब शान मिली है ओ वकार मिलिया किस लिहाज नाल ओदे नसब नामे दे लिहाज नाल खानदानी इज्जत वकार केड़ा बंदा जेड़ा पहलियां चो गुजर चुके है बड़ी शान वाला। अज भी असी सुनने ना असी कहने जनाब कायद आजम साडा बानी है पाकिस्तान अलामा इकबाल दियां गल्लां होंदियां ने दीगर लोगों दियां बातां तारीख कर दी है। इस तरह सैयद हजरत यूसुफ अली सलाम दे मुतलक मेरे पैगंबर फरमांदे ने मेरे साथियो अगर किसी हसब ते नसब दियां गल्लां पुछदे हो ते सैयद हजरत यूसुफ अली सलाम नो अल्लाह पाक ने बड़ी शान अता फरमाई है। यूसुफ आप नबी है बाप नबी है दादा नबी है ते परदादा नबी है। अल्लाह ने जनाब नबिया दी जद बनाई है अल्लाह ने इन्हां नूं शान ते वकार अता फरमाए ने नाम सैयदना हजरत यूसुफ अली सलाम अल्लाह दे नबी बनाए गए ने। और कौन सैयदना यूसुफ अली सलाम जिन्हां दा माना मजीद मजीद क्यों रखिया यूसुफ नाम क्यों रखिया गया ये जदों दुनिया दे अंदर तशरीफ ले आए ने ना उसनों जमाल बड़ा सूरत बड़ी सोहनी है इन्हां दी वालदा ने वेखिया ते दुआ कीती अल्लाह सोने मैनू मजीद होर बेटे चाहिए ने मजीद तेरे को मैं औलाद का सवाल करनी है। अल्लाह अल्लाह इन्हां दे जनाब होर भी भाई है ने लेकिन हजरत याकूब अली सलाम दी दूसरी बीवी दे अंदरों ने रहील दे अंदरों पहले ही बेटा है ना अल्लाह अल्लाह हजरत यूसुफ अली सलाम दे वालदा ने मजीद दी दुआ कीती है ते नाम ही दुआ रख दिता गया यानी यूसुफ रख दिता गया। अल्लाह यूसुफ मजीद चाहिए है अल्लाह मजीद बेटा चाहिए है इन्हों का नाम इस वजह तो यूसुफ रख दिता गया है। अल्लाह दियां मर्दियां ने अल्लाह ने दुआ नू कबूल फरमा लिया वे आ 2 साल का अरसा गुजर गया है। अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अली सलाम भाई बिन्यामीन अता कर दिता है। यूसुफ अली सलाम की उम्र अजे 2 साल है बिन्यामीन अल्लाह सुल जलाल ने अता कर दिते बिन्यामीन अजे चंद दिनों दी होए ने ना मालिक हकीकी दा फैसला आ जांदा है। सैयदना हजरत यूसुफ अली सलाम दी वालदा अल्लाह नाल मुलाकात कर जांदियां ने फौत हो जांदियां ने ए चंद दिनों दा बेटा बिन्यामीन है 2 साल दे नबी यूसुफ अली सलाम ने ते मां दा गे मुफारकत दे गई ने अल्लाह नाल मुलाकातां कर लिया जुदाइयां हो गई है। अल्लाह हजरत याकूब अली सलातो सलाम एक बेटे नूं गोदी दे अंदर उठाया एक बेटे नूं सीने दे नाल लगाया इन्हां दी वालदा रहील नूं देखदे ने पे ते गम दे आंसू पे बहा रहे ने। अल्लाह दे नबी दी दाड़ी आंसुआं दे नाल भिज गई है मालका तेरियां मर्जियां ने ना ये छोटे छोटे एक चंद दिनों का एक 2 साल का बच्चा है ये किवें इन्हां दी परवरिश होएगी और जाम
ਦਿਓ ਲੋਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਚਲਾ ਜਾਏ ਓਈ ਅੰਮਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਇਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਨਾ ਸੋਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਲਾਣਾ ਪਿਲਾਣਾ ਪਹਿਨਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਇਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਮਾਂ ਜੁਦਾਈਆਂ ਦੇ ਗਈ ਹੈ ਸੋਨਿਓ ਇਹ ਦੌਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਮੇਵਾ ਹੀ ਐਸਾ ਫਲ ਹੀ ਐਸਾ ਵੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਨਾਬ ਸ਼ਫਕਤ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੇਮਤ ਬਣਾਈ ਏ ਵਾਹ ਯੂਸਫ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਵਕਾਰ ਆ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਅਤਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯਕੂਬ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਯਾਰ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਏ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਲੀ ਦੌਲਤ ਕੈਸੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਤੋਹਫਾ ਕੈਸਾ ਤੋਹਫਾ ਵੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਓਏ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬਾਗ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਓਏ ਦਰ ਦਰ ਤੱਕੇ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੀ ਤੇ ਵਾਂਗ ਬਗੀਚੇ ਪਲ ਦੇ ਯਤੀਮਾਂ ਤਾਈ ਆਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨੀ ਰੁੱਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਦੀ ਲੇਟਣ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਦੀ ਲੇਟਣ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜ ਯਤੀਮਾਂ ਲਾਈ ਓਏ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਬੇਗਾਨਾ ਓਏ ਗੰਜੇ ਕਾਨੇ ਕੋਝਿਆਂ ਤਾਈ ਤੇ ਗੋਦ ਉਠਾਵੇ ਮਾਈ ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਬਾਜੋ ਸੂਰਤ ਸੋਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਸੀਨੇ ਲਾਈ ਅੱਲਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤਾ ਕਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਰਵੜ ਕਰਵੜ ਜੰਨਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇ
अल्लाह 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 दे नबी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम अल्लाह दियां मर्जियां ने मां वाला साया अपने कोल बुला लिया। आ कुछ देर गुजरी है अल्लाह सुल जलाल वाली कराम ने इवें करके सैयद हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु जिवें मेरे पैगंबर अलैहि सलाम नु ख्वाब आए ने इवें सैयद हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु बचपन दे अंदर ख्वाब आना शुरू हो गए ने। कुरान ने इस करके इस तरह करके बयान फरमाए बचपन की उम्र है ते अपने बाप नाल गल्लां करदे आंदे ने इज़ काल यूसुफ ले अबी या अबत इन्नी रईतु अहद अशर कौकबन वश्शम्स वल कमर रईतुहुम ली साजिदीन। अब्बा जी मैं ख्वाब वेखिया जे ते ख्वाब दे अंदर मैं बड़ी अजीब कैफियत देखी है। मैं सितारे वेखे ने 11 सितारिया नूं वेखिया आसमान दे सितारे मैनू सजदा पे करदे ने। मैं चन्न ते सूरज नूं वेखिया ओ मैनू पे सजदा करदे ने। अल्लाह अल्लाह ख्वाब दे अंदर देखिया ख्वाबा आउंदियां ने सोनिया तेनू ते मैनू भी आउंदियां ने। मेरे तेरे दिल दिमाग दे अंदर जिहड़ियां गल्लां आउंदियां ने ओ शकल तब्दील करके आ जांदियां ने। या शैतान दी तरफों कुछ ख्वाबा आउंदियां ने या रहमान दी तरफों कुछ ख्वाबा आउंदियां ने। अच्छा ख्वाब आए ते रहमान दी तरफ होवे उठ के अल्लाह दा शुक्रिया अदा करिया कर लोगां दे अंदर उहनूं बयान भी कर दिया कर। अगर बुरा ख्वाब आउंदा वे इह शैतान दी तरफ होवे आमिना दिलाल फरमाउंदे ने ओ लोकां दे अंदर बयान ना करिया कर बल्कि तीन दफा पढ़ आऊज़ु बिल्लाह इस्समील अली मिन शैतान रजीम आऊज़ु बिल्लाह इस्समील अली मिन शैतान रजीम। ये तीन बारी पढ़ के खब्बे मोंडे वाल करके थू थू करके तीन दफा थुकन दा थुतकारन दा इशारा कर देने ते ऐसी ख्वाब जड़ी बुरी होवे किसे अगे बयान करी दी। आका फरमांदे ने अगर चंगी भी ख्वाब है ते ओनू भी बयान कर लगा कोई पढ़िया लिखिया बंदा वेख कोई हमदर्द बंदा वे जिन्नी देर तक उस ख्वाब की तबीर बयान नहीं की जाती आसमान के दरम्यान मुलक रही है लटकी रही है जिन्हें ओरी कोई तबीर दस दिता है वह भी वाकया हो जाता है। इस वास्ते अपने ख्वाब जड़े ने अपने खैर ख्वाब बंदियों के सामने बयान करने चाहिए किते बदखो बंदे दे सामने अपना ख्वाब ना बयान करना। अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहि सलाम नु ख्वाब आया अल्लाह सुल जलाल वाली कराम ने आसमान तो सितारिया सजदे दे अंदर पा दिता है सानू सूरज जेड़े ने सजदा पे करदे ने ते बाप की आंदा या बुनैया ला तक ससुर या का अला इखवाते का। ए नबूवत दा बुनियादी जेड़ा है ए जनाब उसूल है अल्लाह दे पाक पैगंबर ने सलाम ने बयान फरमाया है। ए ख्वाब जेड़े नबूवत दा 46 हिस्सा वे यानी 40 ते 46 की माना अल्लाह दे पाक पैगंबर ने सलाम नु नबूवत मिली है। नबूवत तो पहले आमिना दलाल नु 6 माह तक गल गल सुन लवो ए सुनमदार मी दिंदर रवायत और साहबे मुस्कात ने मुस्कात दिंदर इनू बयान फरमाए कहिंदे ने अल्लाह दे पैगंबर दे कोलो सैयदना हजरत अबू जर रजी अल्लाह तआला अबू जर गफारी रजी अल्लाह सवाल करदे ने सोनिया तुहानू किवें पता लग्या तुसी अल्लाह दे नबी बनवा लिओ। फरमाया मेरे सियाबी अबू जर असल दे अंदर मैं ख्वाब दे अंदर वेखिया ख्वाब दे अंदर मैं वेखिया की है आसमान तो दो फरिश्ते आए ने एक आसमान ते जमीन दे दरमियान रह गए दूसरा मेरे को आ गया जड़ा मेरे को आया वे ओ आके ते सवाल करदा मेरे मुतलक ओदे कोल आहो आहो ओही ने जिन्ना वल सानू भेजिया गया वे अल्लाह अल्लाह ते जवाब देने वाला जवाब दिंदा जी जी ओही ने जिन्ना वल सानू भेजिया गया वे अल्लाह अल्लाह कहन लगा जिनो बेराजुल इन्ना दे इक बंदे नाल वजन करो ना वजन कीता गया वे अल्लाह मेरे पैगंबर ने सलाम फरमांदे मेरा वजन ज्यादा फिर कहन लगा बे असरत दसा बंदिया नाल वजन कर वजन करो ना दसा नाल भी ज्यादा जिनो बे मिया 300 नाल जनाब इन्हों का वजन करो 100 नाल भी ज्यादा जिनो बे अल्फ 1000 नाल वजन करो आमिना दलाल फरमाते ने 1000 नाल मेरा वजन किया गया फिर भी मेरा वजन उन्होंने नालों ज्यादा वे अल्लाह के पैगंबर फरमाते एक पास 1000 पलड़े के अंदर एक पास अकेला मैं मैनू इंज लगता सी पलड़े ने इंज झटका खादा जिमें 1000 मेरे ते आके डिग पवेगा। सोने जान दियो ए वजन मेरे पैगंबर दा जिस्मानी तौर ते नहीं ना अल्लाह दे पैगंबर दा ए वजन जेड़ा गोशत दी सूरत दे अंदर ते नहीं बल्कि ए वजन किवें में अल्लाह दे पैगंबर दी शान ते मुकाम दे लिहाज़ इवें करके जदों वजन कीता जा रहा
फरिश्ता बोल के आंदा की एक एक दो दो चार चार सौ पांच सौ हजार रुपया तोलना वे लो वजम ताहू बे उम्मत ही लराजा आहा मैं ते गल ने मुकदी नेड़े मुका देना वा। फरिश्ते ने आखिया एक पासे सारी उम्मत दे लोगा नू रख लै एक पासे आमना दे लाल नू रख लै सारी कौम मिलके सारी उम्मत मिलके सारे जनाब सियाबी मिलके ताबी मिलके और तबा ताबईन मिलके आयमा दीन भी मिलके आमिना दिलाल दा मुकाबला कर सकदे आमिना दिलाल दा मुकाबला कर सकदे बोलो बोलो कर सकदे आमिना दिलाल दा मुकाबला हो ही नहीं सकदा क्यों नहीं हो सकदा ओए मुर्शिद सारे जग दा ए बस ताल ताबे कले रब दाए कंपनी दे ना अपने अल्फाज ने आप तुहाडे आ जुमे वास्ते ना मैं थोड़ी जी मेहनत कीती मैं कहा चलो तुहानू भी ताजा कर दईए ओ मुर्शिद सारे जग दाए बस ताबे कले रब दाए ते ओनू साफे होना पब दाए ओए ओनू सिफारिश करन वाला ओए ओनू साफे होना पबदाए रब्बे उम्मती उदा पुकाराए आओ मुर्शिद पढ़ लो मदनी नू जिदे बाज ना होना गुजाराए ओ हादी दो जगदाए ओ दो जगदा हादी कल्लाए ओए दो जग दा हादी कल्लाए मेरे पैगंबर ने सलातो सलाम दी शान वकार साडे कोल कदी तवज्जो नाल सुनिया कर ओए दो जग दा हादी कल्लाए बस उस दा तू फड़ लै पल्लाए ओए दो जग दा हादी कल्लाए बस उस दा तू फड़ लै पल्लाए ते ओदे वर्गा ना कोई वल्लाए पामे टूंड लवो जग साराए आओ मुर्शिद फड़ लो मदनी नू जिदे बाज ना होना गुजाराए और तू तकलीद दा रौला पामी ना किसे होर नू मुर्शिद बनामी ना ते एवें अपना आप गवामी ना ओ एवें अपना आप गवामी ना ओ नहीं मिलना कोई सहारा है आओ मुर्शिद फड़ लो मदनी नू जिदे बाज ना होना गुजारा है ते कौन मेरे आका ओ जिदियां जगी तुम्मा पहिया ने ओ जिनू पत्थरां वी सलामां कईयां ने नहीं बोलते लगते तुहानू कोई तड़प नहीं दिल दे अंदर नबी पाक दी नात रल तुहानू प्यार कोई नहीं और जिदियां जगी तुम्मा पहिया ने और जिनू पत्थरां वी सलामां कईयां ने ते जिदे लब विचो शफावां पहिया ने पेश कर दी हदीस नजारा है आओ मुर्शिद पढ़ लो मदनी नू जिदे बाज नहीं होना गुजारा है अल्लाह 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 दे पाक पैगंबर नू भी ख्वाब आए सैयदना हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम नू भी ख्वाब आया ते ख्वाब बाप दे सामने बयान किया अब्बा जी ने किया कि पुत्रा गल सुन लै या बुनैया ला तक ससुरो या का ख्वाब बड़ा शानदार है ख्वाब बड़ा आला वे ख्वाब बड़े वकार वाला वे ख्वाब दे अंदर निशानियां बड़िया सोहनिया ने ते पुत्र इंज गल वे ख्वाब किसे अगे बयान करना कदी कदी ख्वाब नू लुकाउणा भी पैंदा कई बीबियां इस गल तो अपने ख्वाब दे नाल लड़ पैंदी तुसीं तो गल लुका के रख दे आमिना दे लाल अली सलाम फरमाते ने कदी कदी गल लुकाउण दे अंदर भी खैर हुंदी जरूरी नहीं हुंदा हर गल नू लोकां दे अंदर आम कीता जाए मजमे दे अंदर सुनाया जाए हाँ अल्लाह ताला नेमत अता करे अल्लाह ताला बरकत अता करे खुशियां अता करे उनू लोगां दे अंदर बयान करना चाहिए तेरे ते अल्लाह दियां नेमतां नजर आनियां चाहीदियां ने लेकिन कुछ काम ऐसे हुंदे ने कहिंदे ने फलाणा बड़ा ही मीना ही वह नहीं किसी नू दसदा
भी नबी पाक की हदीस से अमल है। एवें गल अजे टुरी है तो पहले ही बंदा रौला पाया, बस बई मैं तो हूं अमरीका ही जा रहा है, मैं तो हूं कैनेडा ही जा रहा, मैं तो दुबई ही जा रहा, मैं फलाने मुल्क ही जा रहा, बस तुहाडा भरा उड़दा वेखो वो इत्थे पराली थले रुलदा ही नजर आंदा है। इस वास्ते ये गल्लां जरूरी हुंदियां सारयां नाल कीतियां जाण। ख्वाब चंगा आया तो उठ के सवेरे रौला पाना, रौला पाना हां, जेड़ा कोई तुहाडा खैर खाए, जेड़ा चंगी गल दसन वाला है उहदे सामने बयान करो, जेड़ा बंदा साहबे इलम है तकवे वाला। और आखिरी गल है जे कई लोग ना समझते हैं ख्वाब चंगा आना भी जेड़ा ना ये भी अल्लाह का वली होने की निशानी है, कोई निशानी नहीं सुनी नहीं जे वलायत की निशानी कोई नहीं कि चंगा ख्वाब आया तो वह फलाना बंदा बड़ा ही नेक है। सच्चे ख्वाब नेक बंदे नहीं आते, हर एक आ जाते। सूरह यूसुफ तुम सुनी है ना, ये अगे जाके जेल के कैदियों सच्चे ख्वाब आए, मुसलमान नहीं सन। जेड़ा मिस्र का बादशाह भी मुसलमान नहीं सी, उसका भी ख्वाब सच्चा हो। फिर हजरत नबी सलातुसलाम की फुफो आतका जिन्हें जिन्हें अजे कलमा नहीं पढ़िया मुसलमान नहीं हुआ, उन्होंने नबी पाक के मुतलक ख्वाब आया। वह किसरा ने ख्वाब वेखे आमिना दे लाल दे मुतलक जिहड़ा मुसलमान नहीं सी, ख्वाब सच्चे होए ने। ख्वाब सच्चे होने वास्ते बंदे का मोमन होना मुतकी होना जरूरी नहीं, सच्चे ख्वाब किसी भी आ सकते हैं। ये अच्छा ख्वाब है तो रहमान की तरफ होवे, उठ के अल्लाह का शुक्रिया अदा कर। अगर बुरा ख्वाब है शैतान की तरफ होवे ते उठ के शैतान को पनाह मंग, सदका खैरात कर दे, किसी के सामने इन बयान ना कर। तीसरा, इंसान के अपने दिल दिमाग के अंदर कुछ चीज़ा होंदिया ने जड़िया शक्ल तब्दील करके ख्वाब की सूरत के अंदर आ जाए ने। अगर कोई भी चीज़ ऐसी मुतशक्कल आ जाए, कोई वाकई दे नाल रलदी मिलदी आ जाए, उसके अंदर परेशान नहीं होना चाहिए। कई बीबियां टैलीफोन कर करके ना वो ख्वाबा दबीर ही पुछदी रही, कभी पुठे ख्वाब कभी सीधे ख्वाब, इन्ह ख्वाबा के चक्रा च एडा स्यापा लैन की लोड़ कोई नहीं। जी खैर मिलनी है मिल के रहनी है, जे कोई शर नजर आता है तो वह बेहतरीन हल ले वे, सदका खैरात कर दियो, अल्लाह को माफ़ी मंगो, शैतान को पनाह, अल्लाह जुल जलाले वाले कराम दे पनाह दे अंदर आके शैतान को जान छुड़ाओ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर कर देगा। हजरत यूसुफ अली सलातो सलाम बाप ने की ख्वाब के बाद समझाया, इंशाल्लाह इतों गल अगे चलावे। अल्लाह पाक को दुआ है अल्लाह ताला सही माने दे अंदर किताब और सुन्नत को समझ के इतों इंशाल्लाह अगे ना सारा वाक्य हूँ स्टार्ट हो जाने। बुनियादी कुछ चीज़ा जड़ियाँ जरूरी सन वो मैं थोड़े सामने बयान कर दी हैं, इंशाल्लाह बाकी वाक्य जरा थो इंशाल्लाह अगले जुमे सुनावे। अल्लाह ताला को दुआ है अल्लाह ताला कुरान नाल मुहब्बत नसीब फरमाए, अल्लाह जुल जलाले वाले कराम सानू हकानियत कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमिना दिलाल अलैहिस्सलाम की सच्ची मुहब्बत और प्यार नसीब फरमाए। वाखिरु दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।